अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे ओमान में कोरोना केसेस के हवाले से और वफात के हवाले से, कोरोना की डिटेल्स क्या हैं। आज तारीख है 18 जून 2020 और दिन है जुमेरात का। आज का दिन, एक तो अभी सुप्रीम कमेटी की कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई है। दुआ करें कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें जो फैसले हों वो बताए जाएँ और हम सब के लिए वो फैसले अच्छे हों। तो बात करते हैं कोरोना के हवाले से। आज ओमान में 18 जून को जुमेरात के दिन 739 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए कोरोना के, जिनमें ज़्यादा तादाद जो है आज एक्सपैट्स की है, खारजियों की थी। इन 739 में से 437 जो हैं 437 खारजी लोग हैं, एक्सपैट्स हैं, जबकि 302 लोग जो हैं वो लोकल सिटीज़न हैं, ओमानी हैं। आज जुमेरात के दिन 18 जून को 739 टोटल केसेज जो हैं वो रिपोर्ट किए गए कोविड-19 के। 437 खारजी थे, 302 जो हैं वो ओमानी हैं, जबकि टोटल तादाद जो है कोरोना केसेस की वो हो चुकी है 26,818, और जो रिकवरीज़ की तादाद है वो है 13,264। काफ़ी रिकवरीज़ हो रही हैं डेली बेसिस पर, किसी कभी कभी 1,000 से ज़्यादा भी होती है। कल भी 800 के करीब थी, आज भी काफ़ी ज़्यादा रिकवरीज हुई हैं। तो टोटल जो लोग सेहतियाब हो चुके हैं उनकी तादाद है 13,264, जबकि वफात पाने वालों की तादाद जो है टोटल वो हो चुकी है 119। कल के दिन जो है वो 2 लोगों की वफात की इतला हुई थी और 116 जो वफात थी। आज 18 जून को जो है 3 लोगों के वफात पाने की इतला हुई है और टोटल जो लोग वफात पा चुके हैं वो हो चुके हैं 119। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन तमाम वफात पाने वालों की मगफिरत फरमाए, और जितने भी लोग कोरोना के मरीज़ हैं या वो ख्वा किसी भी दूसरी बीमारी में मुबतला हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द अच्छी सेहत अता फरमाए। तो आप लोगों से दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि जितने सेफ्टी मेजर्स दिए गए उनको फॉलो करें, और हमेशा जो है सफाई का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें अल्लाह ताला इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म करें। और साथ ही ये भी दुआ करें कि आज सुप्रीम कमेटी की, अभी तक मैंने सुबह भी वीडियो बनाई थी कि थर्सडे के दिन जो है हर थर्सडे को सुप्रीम कमेटी की मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें वो अपने डिसीजन जो हैं वो बताते हैं और क्या इकदाम होंगे आने वाले दिनों में, क्या पीछे किया जा चुका है, कौन सी मार्केट खोलेंगे नहीं खोलेंगे, कोविड-19 के हवाले से अपने फैसले सुनाते हैं। सो लेट्स होप फॉर गुड कि आज उनकी अपनी मीटिंग की अभी तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई न्यूज़ नहीं आई। दुआ करें, अल्लाह ताला करे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और जितने भी फैसले हों हम सब के लिए अच्छे हों, इंशाल्लाह। खैर दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।